हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। ये मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, होप कि आपको पसंद आएगी। मैं आज आपको बहुत इजी नेल आर्ट, स्ट्रिप नेल आर्ट सिखा रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए सीजर, दो एंगुलर ब्रश और ट्वीज़र और टेप। सबसे पहले मैं टॉप कोट अपने सारे नेल्स पे लगा लूँगी ताकि हमारे नेल प्रोटेक्ट रहें नेल पॉलिश के कलर से और हेल्दी रहें। मेरी वीडियो को मस्त लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी नेल आर्ट मिस न करें। और चैनल को देखते देखते सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं ये न्यूड कलर लगाया है मैंने थंब पे। अब मैं टेप की स्ट्रिप्स काट रही हूँ। बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटनी है। ये देखें, ऐसी स्ट्रिप्स काट के अपने पास रख लें। ये मैं एक दफा और आपको स्ट्रिप काट के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से स्ट्रिप काटनी आ जाए। अब मैं स्ट्रिप्स को लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। उसको ट्वीज़र की हेल्प से सेट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इसी तरह पैरेलल मेथड से मैं पूरे नेल पे स्ट्रिप्स लगा लूँगी। ट्वीज़र से सेट कर लूँगी। थर्ड स्ट्रिप लगा रही हूँ। एक स्ट्रिप अभी और लगेगी ताकि हमारा नेल आर्ट बहुत ही अच्छा बने। और आप सब कैसे हैं, मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये लास्ट स्ट्रिप भी सेट कर रही हूँ मैं। अब इसके कंट्रास्ट में मैंने ब्लैक कलर चूज किया। आप अपनी फेवरेट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ब्लैक कलर अप्लाई कर लिया मैंने। अब इसको ड्राई होने से पहले उतार स्ट्रिप्स को रिमूव कर दूंगी मैं। और इसको अब ड्राई करके इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई कर लूंगी।
خوبصورت نیل آرٹ بن جائے۔ اسی طرح آپ اپنی باقی فنگرز پہ بھی یہ نیل آرٹ کر سکتے ہیں سیم۔ میں آج آپ کو 5 نیل آرٹ کے ڈیزائنز شو کر رہی ہوں۔ میں دوسری فنگرز پہ گولڈن کرسٹین کا شیڈ لگا رہی ہوں، اچھے سے اپلائی کر رہی ہوں۔ نیل کے ایجز کو میں نے اینگولر برش سے کلین کر لیا، جو اسٹریپس ہم نے کاٹ کے رکھی تھی میں اسے وی شیپ میں اسٹک کروں گی۔ یہ وی شیپ ہماری اچھے سے آ گئی ہے۔ اب میں یہ ریڈ شیڈ اس کے ساتھ لگا رہی ہوں کنٹراسٹ میں، اسٹریپس کے اندر ہی کلر لگے تاکہ ہمارا نیل آرٹ بہت اچھے سے۔ شیڈ کو لگا کے ڈرائی کر لیا۔ ڈرائی کرنے کے بعد اب میں سینٹر میں اس کے اسٹرپس لگا رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو اس طرح پورے نیل پہ بھی اسٹرپس لگا سکتے ہیں۔ یہ لاسٹ اسٹیپ لگا لی میں نے اور ٹویزر سے سیٹ کر دیا اچھے سے۔ یہ میڈورا کا پرپل شیڈ ہے اور اسے میں اسٹیپس کے مڈ میں لگا لوں گی۔ میں اسٹرپس کو فوراً ہٹا دوں گی۔ اسٹرپ نیل آرٹ کی یہ ٹرک ہے کہ نیل اسٹرپ پہ کلر لگا کے فوراً ریموو کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ڈرائی کر لیں گے تو یہ ہمارا نیل آرٹ خراب ہو جائے گا۔ آپ اس کو ڈرائی کر کے اس پہ ٹاپ کوٹ لگا لوں گی۔ رنگ فنگر پہ میں روز گولڈ کلر لگا رہی ہوں۔ اس نیل پہ مجھے بلاکس چاہیے تو اس وجہ سے میں نے سینٹر میں ایک اسٹرپ لگائی ہے۔
फर्स्ट हाफ पे एक स्ट्रिप लगाई है और अब नेक्स्ट हाफ पे एक स्ट्रिप लगाऊंगी अच्छे से स्टिक कर दूंगी अब ये डीप पिंक कलर अप्लाई कर लेंगे अब मैं स्ट्रिप्स को रिमूव कर रही हूँ आपने नोट किया होगा कि इसमें मैंने ज़रा थिक स्ट्रिप्स रखी थी क्योंकि मुझे रोज कोल कलर बहुत चाहिए था उसके अंदर प्रोमिनेंट होता हुआ और अब मैं नेक्स्ट नेल पे इसके ऊपर टॉप कोट लगा रही हूँ ड्राई करके मैं आपको शो कर रही हूँ नेक्स्ट नेल पे मैं स्विस मिस का ऑरेंज कलर लगा रही हूँ शिमरी शेड है ये इसको ड्राई होने दूंगी और अब ये टेप है मेरे पास इसको ट्रायंगुलर शेप में काट लिया और अब मैं इसको ज़िगज़ैग शेप में काट रही हूँ ज़िगज़ैग शेप हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इसके एजेस से हमें ग्रीन आर्ट मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर आप अभी तक ये वीडियो को इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें ज़रूर ट्राई करिएगा ये कहीं पर आजकल लॉकडाउन है तो फ्री टाइम बहुत होता है तो मैं स्टिक कर रही हूँ और ट्वीज़र से सेट कर रही हूँ इसमें इसका ये ब्राउन डार्क ब्राउन शेड है चिमरी शेड अभी हम इस पर अप्लाई कर लेंगे अच्छे से मैं इस टेप को रिमूव कर दूँ देखने बहुत खूबसूरत नील आर्ट बना टॉप कोट लगा लिया